दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं नरेशन के पार्ट नंबर 5 में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में आगे का सेशन। क्योंकि दोस्तों मैं जो नरेशन का मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों, तो अभी क्या है कि कोचिंग क्लासेस में चूंकि नरेशन का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को ये पार्ट बाई पार्ट आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह से, कि जो भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो से यानी कि यूट्यूब के माध्यम से पूरा टॉपिक ये क्लियर करें अपने घर पर। दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक पार्ट बाई पार्ट देखना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। अभी तक पार्ट नंबर 4 तक मैं बता रहा था अभी केवल केवल रूल्स के बारे में, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से चेंज करना है वो मैं सारे अभी रूल्स बता रहा हूं, जो कि सामान्य नियमों के अंतर्गत फर्स्ट नियम पे मैं चल रहा हूं। मैंने पहला रूल्स अभी तक पहले रूल्स में बताया था पर्सन में चेंजिंग, और अब हम चल रहे हैं टेंसेस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कैसे हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे दोस्तों, इसके लिए आप पार्ट नंबर 4 तक, जो पार्ट नंबर 4 से मैंने स्टार्ट किया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहती है दोस्तों वो होती है रिपोर्टिंग, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है दोस्तों उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आपके रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हैं आप, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि टेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट के दोस्तों जितने चारों वो टेंस है वो कैसे परिवर्तित हो रहे हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि रिपोर्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है और उसके अंतर्गत जो चारों टेंस रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट के है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में पूरा। तो दोस्तों पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 4 में बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करेंगे तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसे परिवर्तित करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों यदि वास्तव में इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो मनमोहन सर के साथ एक बार जरूर जुड़ करके देखें, अपने दोस्तों को नए दोस्तों को भी मेरे साथ जुड़ें, और जो भी आपको समस्या है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, मैं आपकी रिक्वेस्ट का जो रिप्लाई है वो पूरी तरीके से जल्द देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मैंने बताया मित्रों क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपके किस टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हम किस समय के लिए चल रहे हैं दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर के जो स्पीच है या वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, देख रहे हैं आप पास्ट सेट टू सेट टू सेट यानी कि पास्ट टेंस में, तभी उसी समय के लिए ये पूरा प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दोस्तों उसी के लिए ये आपका पार्ट नंबर 5 में जो बताया गया है लिखा, आप इसे नोट कर लें, नोट करिए आप इसे, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आपको ये जरूर आपको दिमाग में रखना कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग टी आई एन जी बाहर वाली स्पीच रिपोर्टिंग
वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, एग्जांपल से मैंने पूरी तरह से कोशिश की है आपकी आपको समझाने की और आपको समझ में आ जाना चाहिए ये रूल। अभी हम रूल्स पर चल रहे हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे पूरे टॉपिक बाई टॉपिक आप पार्ट बाई पार्ट पार्ट नंबर 5, 6, 7। चूंकि अभी अपनी क्लासेस में दोस्तों नरेशन का टॉपिक चल रहा है और नरेशन का टॉपिक चूंकि बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, इसलिए पढ़ने क्या किया कि यदि आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम आप वीडियो देखें, आप घर पर यहाँ ऑफलाइन पढ़ें, आप वहां यहाँ भी पढ़ें आप, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो उसी क्लास को आप अपने घर पर भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने एग्जाम्पल ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माय वर्क, कौन सा टेंस है ये दोस्तों? ये रहेगा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसे मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला, ही टोल्ड सेड टू का टोल्ड हो जाता है दोस्तों, टोल्ड स्नेहा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डट यूज किया यहाँ पर, डट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर ही क्यों आया ये मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बता दिया था। पर्सन में चेंज कैसे होती है, कैसे होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो कि है, फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट में आई और बी आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट इसका क्या है? ही है, इसलिए यहाँ पर ही आ गया। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, यहाँ पे ही था इसलिए ही आ गया। अब ही के साथ यहाँ वाज आएगा, ही वाज डूइंग, यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर ही, यहाँ माई है, यहाँ पर चूंकि ये पजेसिव फॉर्म है और यहाँ पर पजेसिव फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। पजेसिव फॉर्म है लेकिन कौन सी पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन का पजेसिव फॉर्म है, देखिए आप फर्स्ट पर्सन कैसे बदल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ही है। तो ही का पजेसिव क्या होगा? हिज, जिसे आप हिज आ गया। पूरे आपको टेंस में ऐसा परिवर्तन करना, ऐसा नहीं है दोस्तों केवल सब्जेक्ट को आपको बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे वो पजेसिव केस हो, आपको सभी में परिवर्तन करना है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। इसको कई लोग बताते नहीं कि टीचर, इसे आपको याद रखना है कि जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, मैंने डायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल दिया ऐसे, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। ये आगे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो गया, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बदल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग वेल, चूंकि देखिए इसी का एग्जांपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पर यू था चूंकि, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? देखिए दोस्तों मी है, इसलिए यहाँ पर मी को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर जब रखा गया तो क्या आ गया? आई आ गया। यहाँ पर आई सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा, तो यहाँ पर आई आ गया। उसके साथ आई के बाद आई वाज प्लेइंग, आई के साथ वो आ जाता है दोस्तों, तो आई वाज प्लेइंग वेल, चूंकि हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, ये बदल दिया मैंने दोस्तों। देखिए आपको ये रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों, यदि समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे और जुड़कर जरूर देखें आप, पूरा वीडियो देखें आप, और दिक्कत कहीं आ रही है तो आपको नोट कर लेना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। किसी भी टॉपिक का, चाहे वो कोई टॉपिक हो, क्लॉज हो, नरेशन हो, डिटरमाइनर, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, कोई भी हो, पार्ट ऑफ स्पीच कोई भी हो, आप उससे जरूर पढ़ करके एक बार देखें। देखिए अब मैंने क्या किया है कि अभी प्रेजेंट का अगला, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा था, इसके पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट में। अब चुके देखिए इसके आगे और चलिए नंबर तीसरे टेंस में, नंबर तीसरा टेंस जो की है यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि रिपोर्टेड स्पीच बोले तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज हैव और वी थ्री थर्ड फॉर्म रहता है, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, परफेक्ट जितने भी है सभी में थर्ड फॉर्म रहती है मित्रों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी दैट, ही सेड टू मी दे हैव हेल्प मी,
क्योंकि देखिए दोस्तों हैव से यहां पता चल गया अपन को, ये थर्ड फॉर्म भी लगी है हैविंग वर्ड, इससे अपन को क्या पता चल गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो कौन सा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसे हमें किसमें बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। लेकिन ये सब कभी होता है दोस्तों, किसमें होता है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी आपको ऐसे करना है। आपको बहुत सारे रूल्स दिमाग में स्टोर करना होते हैं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी फ्लुएंटली और दिमाग को वर्क करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। आप एक बार देखिए एग्जांपल्स, एग्जांपल्स समझिए आप, एग्जांपल देखो, ही इज सेड टू मी, दे हैव हेल्प मी, ही टोल्ड, सेड टू से टोल्ड बना दिया, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के हमें दैट यूज किया गया मित्रों, दैट दे, अब चूंकि ये थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन है ही सी इट दे कोई नाम, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर्मूला में क्या था, नो चेंज था, थ्री नंबर का घूम के गया था, नो चेंज पर, नो चेंज दे का दे आ गया पर। उसके बाद आपको टेंस परिवर्तन करना है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की हेड होगी, हेड लगा दिया थर्ड फॉर्म, और यहां हिम आ गया, हिम क्यों आ गया दोस्तों, हिम आपको पता है क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि अब मी था ये, और मी ये कौन से पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ही है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का यहाँ पर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म, क्योंकि मी है जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म है, जो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में आपको बदलना होता है। तो देखिए आप, ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, इसलिए यहाँ पे हिम आ गया। समझ में आ गया, पूरी समस्या सॉर्ट आउट हो गई आपकी, कोई समस्या नहीं है दोस्तों आप लोगों को, और ना ही कोई होगी यदि आप मेरे साथ हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी सी हैज संग अ सॉन्ग, सिंग का एक थर्ड फॉर्म है, सिंग सेंग संग, सेट टू से यहां पर टोल्ड बनाया गया, सी टोल्ड, सेट टू का टोल्ड हो गया, सी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहां पर दैट का यूज किया गया। उसके बाद सी, चूंकि सी भी थर्ड पर्सन का है, इसलिए इस ये भी नहीं बदलेगा, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किसका है, थर्ड पर्सन का, सी थर्ड पर्सन में, तो ये भी नहीं बदला, सी फिर हेड आ गया यहां पर, आपने टेंस परिवर्तन किया, फिर बाकी थर्ड फॉर्म देखिए, पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट चाहे फ्यूचर परफेक्ट, सब में थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म देखा तो रहेगा आसान, बाकी इसमें कुछ और परिवर्तन करने के लिए नहीं था, तो आपने इस प्रकार से बदल दिया, सी टोल्ड मी दैट सी हैड संग अ सॉन्ग। लीजिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रहेगा, मैंने इसमें बताया आपको दो टेंसों के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदला, और प्रेजेंट परफेक्ट को, चूंकि दोस्तों लंबी क्लास हो चुकी है, आप लोग थक गए होंगे, वैसे दोस्तों मैं सही बता दूं तो यदि आपको वास्तव में सीखना है तो ये मत आप लोग सोचा करें कि क्लास है जो कि वो लंबी हो रही है, क्योंकि दोस्तों जितना यदि आप लोग अच्छा सीखना चाहेंगे तो मनमोहन सर की वो लंबी क्लास में ही आप बेहतर सीख सकते हैं और बेहतर पढ़ सकते हैं। छोटी क्लास, जो बहुत सारी क्लासेस होती है यूट्यूब पर, छोटी छोटी क्लास में क्या सीख सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं सीख सकते, आप सिर्फ उसमें देख सकते हैं कि ये कौन है और ये क्या चीज है, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कम समय में ना, ये अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे इसमें दूसरे मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट था, वो पास्ट परफेक्ट बदला हमें, ठीक है, ये उस समय के लिए दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब आगे वाले इसका जो तीसरा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये मिलेगा आपको पार्ट नंबर 6 में, ये पार्ट नंबर 5 है नरेशन का, पूरा पढ़े आप लोग ऑफलाइन में, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है मित्रों तो ऑनलाइन यूट्यूब पर जरूर आप पूरा वीडियो देखें, 100% आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, नहीं तो मैं आपके साथ हूं, जो भी आपको दिक्कत है सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बता देना है, ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो लेक्चर पूरा देखने के लिए, आधा नहीं पूरा देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद, और अगले इसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, और इसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव ग्रामर पढ़ने के लिए आप मनमोहन सर के साथ जरूर एक बार जरूर मौका लें, धन्यवाद।